भोपाल में तेज हवा और बारिश के चलते मंदिर प्रांगण में एक वर्षों पुराना पेड़ एक प्राचीन मंदिर पर गिरा, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के कई हिस्से पेड़ की चपेट में आ गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 3 दिन हो गए, लेकिन अब तक प्रशासन और नगर निगम ने कोई सुध नहीं ली है और ना ही यहाँ से पेड़ हटाया गया है। शनिवार शाम भीषण आंधी और तूफान के चलते रामनगर शजानाबाद क्षेत्र में मंदिर प्रांगण में लगे कई पुराने पेड़ गिर गए, जिससे मंदिर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। मंदिर के पुजारी रामगोपाल पाठक ने बताया कि यह मंदिर काफी पुराना है। मंदिर का शिलान्यास लोक निर्माण एवं कृषि मंत्री रहे माधव लाल दुबे ने 1971 में किया था। मंदिर की स्थापना के मौके पर भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ आए थे। पुजारी ने बताया कि उनका परिवार वर्षों से इस मंदिर में पूजा करता आया है। मंदिर प्रांगण में कई बड़े वृक्ष लगे हैं, लेकिन आंधी तूफान में वे गिर गए, जिसके चलते मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासनिक अमला अब तक देखने तक नहीं आया, पेड़ वैसे ही गिरे पड़े हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की अपील की है। हनुमान जी की स्थापना का अध्यक्ष की थी और दुर्गा मंदिर जो है आदिम जाति कल्याण की श्री भानु प्रताप सिंह जी ने शिलान्यास करके बनवाया था। इन मंदिरों का मैं सभी से पूजा पाठ करता आ रहा हूँ। 68 साल के वरिष्ठ नागरिक हूँ तो मंदिर की बहुत क्षति हुई है और मंदिर का जो आसपास जो पेड़ लगे हुए थे प्राचीन पेड़ थे, पीपल का, आम का, बड़ का और नीम के, सारे पेड़ धराशायी हो गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।